माशाल्लाह कभी ना कभी जिंदगी में उसके बच्चे जो है ना सहारा बन जाएंगे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं। आज एक और फैमिली के पास पहुंची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, उससे मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस ठीक है, जरा बीमार है, मजदूर बंदा हैं करम जो यहाँ क्या ना, बाल छोटे छोटे हैं ना जी, दीवारा मेरा ढिठा पे मैं आप कर नहीं सकती। हाँ ते बहु मैं तांगा बहु, क्या मसला है? यही बेटे हैं ना आप? जी हाँ बेटे ही हैं, मैं तो करण जो बहन का ना, मैं अल्लाह के आसरे से बैठी हूँ। सही, अच्छा ये आपके टांग का मसला है? जी हाँ, मेरी आप टांग का मसला है, मैं मजदूर हूँ, मैं तोर नहीं सकती ना, मैं कहीं काम कर सकती हूँ। मेरा शौहर कितने साल थी जन पोत थी पर पोत हो गए हैं, तो जो है ना बहुत ही इनके लिए मसला है, क्योंकि जो है ना बेवा औरत है और मजदूर है, तो ये दो बच्चे हैं इनके, तो बेटे हैं दोनों माशाल्लाह से, तो ये चल फिर नहीं सकती, बस अल्लाह के सहारे पे बैठी हुई है। कोई दे देता है तो खा लेती है, कोई नहीं देता तो ऐसे बैठे रहते हैं। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। आप कहाँ गए थे अभी जो आ रहे हो? बुलाया है हमने, मदरसे में पढ़ने गए थे। मदरसे में पढ़ने गए तो अच्छी बात है, तो इस अम्मा जी से कहा है कि आप अपने बच्चों को बुलाएं जी। तो ये मदरसे गए हुए थे दोनों बच्चे माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए इनकी दीवार, ये इनके हालात हैं। तो आओ जी अम्मा जी अंदर दिखाएं आप अपने हालात। माशाल्लाह कभी ना कभी जिंदगी में इसके बच्चे जो है ना सहारा बन जाएंगे जी, लेकिन अभी इसके कोई हालात तो ये देखें, इनकी दीवार भी बिल्कुल नहीं है, बाहर से देखें ये आगे से इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, ये देखें ये कपड़ा दिया हुआ है इन्होंने, हाँ। सारा लगाया हुआ है, हाँ। ये सिहान है, और ये इनका सियाना है, और ये इनका चूल्हा, और ये इनका छोटा सा कमरा है। पानी भी नहीं है अम्मा जी आपने? नहीं, पानी क्या नहीं मेरा, पानी क्या नहीं, पानी को स्वाद तंग आना है, भरने लायक भी नहीं है जी, बच्चे भर के आने पर भी ना मैं भर सक जाना चाहिए, कुछ भी चाह सक जाना। सबसे बड़ा मसला तो ये दीवार का है इनका, क्योंकि ये देखें बाहर बैठी है, देख सकते हैं आप इधर से सारा ग्राउंड ऐसे पड़ा हुआ है, तो बाहर की बाहर बैठी हुई है, तो ये कमरा है इनका जी, कोई हालात नहीं है इनके घर के, माँ दिखा सकते हैं लेकिन कोई हालात भी नहीं है। ऊपर से छत सारी कच्ची है, तो गिरी हुई है सारी, देख सकते हैं आप, ये देखे सारी की सारी गिरी हुई है, बहुत ही हालात खराब है। कच्चे कमरे बने हुए अंदर से जी, कच्चा कमरा है, वो भी सारा गिरा हुआ है, ऊपर पानी आता रहा है कहती है बारिश में, और ये इनका चूल्हा बना हुआ इधर, हाँ, तो ये कुपिया भर के इन्होंने रखी हुई है, हाँ, पानी का इनका वसील नहीं है, पानी की इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके पास कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि यही दो बच्चे हैं जो मदरसे पढ़ने गए हुए थे, अभी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके घर में असर की नमाज के बाद बाद हर बंदा खाना बनाता है जी, तो अभी आप घर में कुछ नहीं है जी। तो जी अम्मा आप कब फिर खाना कैसे बनाती हो, कहाँ से ले आती हो, कैसे पकाती हो? बस कहीं लिखती था खा के दिन लिखती था चौपा तो शाम पे, उसके पाँव का मसला है ना, जो मजदूर है ना बहुत ज्यादा, बीमार रहे दवा इलाज करता दे था रुपया, हस्बैंड का सहारा होता है, तो वो भी इस दुनिया से चले जा चुके हैं जी, बिल्कुल, इसके लिए भी दुआ करना, तो इसके लिए भी दुआ करें कि इसका भी बच्चे जब बड़े हो जाएंगे दोनों तो इनका सहारा बन जाएंगे। अभी तो ये कब से दीवार टूटी है फिर आपकी? दीवार का जब बारिश हुई थी, हाँ, जब सिलाब आया उस दिन, तो ये देखें तंगे वगैरह दिए हुए हैं आगे से, छाटे वगैरह फिर डरते भी होंगे बच्चे, हाँ डरते हैं, देखे तंगे सारे गाल गए, कई कम माने क्या नहीं बने खड़े पढ़ते थी जी, हम कहने दो बजे वाला, अल्लाह के सहारे पे ऐसे है कि अल्लाह का सहारा, बाकी कहीं का क्या नहीं, मैं को ये चार पाई पड़ी हुई है जहाँ पे सोते हैं सारी, चार पाई भी एक है, दो अंदर पड़ी है, एक अंदर भी पड़ी है, ये इनका मसला है, ना ही पानी ना ही इनका घर में कोई राशन वगैरह का इंतजाम है, कहती है कभी कोई दे देता है तो खा लेते हैं, हकदार फैमिली है जी, बिल्कुल, तो बच्चों को देखें, बच्चे कैसे जिंदगी गुजर रही है, बच्चे हंसते हैं, बच्चों को क्या पता, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह पाक हर किसी का करम करे, तो मैं तो हर
हर किसी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को सिहत दे। बिल्कुल सिहत होती है तो बंदे की, हाँ सिहत हो तो बंदे की फिर कमा के खा सकते बंदा। जी हाँ, कपड़े धोगे तो कहा ना धोते पे रह गए और जल्द तबियत सही थी गई वाल धो समझा दवा घेन घेन दे हूँ आप दिन थक गए ना पैसे हाँ देना दवा के देनी अपना पर्दा बना रही है देखें हाथों से क्योंकि इसकी हालात भी ये हैं लेकिन फिर भी पर्दा बना रही है तो ठीक है अम्मा जी अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी तो आप सब बहन भाइयों ने अम्मा जी की सपोर्ट करनी है तो अम्मा जी कह रही है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ राशन का करें मेरा पानी नहीं है घर में बच्चों के लिए कुछ कर दें ये दीवार नहीं है बिल्कुल तो ठीक है अम्मा जी हम चलते हैं हाँ इंशाल्लाह फिर आएंगे। नहीं नहीं अम्मा जी आप बना सकती हैं आपके हालात तो देखें हाँ दिल बड़ा है ये देखें गरीबों के दिल बहुत बड़े होते हैं जी ठीक है इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।